दोस्तों कुछ फिल्मों के ट्रेलर ही बस अच्छे होते हैं। इतने अच्छे से सटीक तरीके से कटाई की जाती है उस ट्रेलर की कि ट्रेलर देखकर लगता है वाह वाह क्या फिल्म बनी होगी, लेकिन जब रियलिटी में आप उस फिल्म को देखने जाते हो तो नील बटे सन्नाटा निकलती है। ऐसी ही एक फिल्म है राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की, विकी विद्या का वो वाला वीडियो। अब ये लोग भले ही कह रहे हैं कि हमने किसी फिल्म की कॉपी नहीं की है, कहीं से प्रेरणा नहीं ली है, लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, बिना कॉपी किए बिना प्रेरणा लिए तो ये फिल्में बना ही नहीं पाते हैं। बहुत ही कम फिल्में होती हैं जो ओरिजिनल तरीके से बनाते हैं। तो हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी सेक्स स्टेप करके 2014 में, जो एक पति पत्नी के ऊपर आधारित थी। पहली रात के उनके वीडियो होते हैं जो वायरल हो जाते हैं और उसी के ऊपर पूरी फिल्म होती है। और ठीक इसी तरह से विकी विद्या का ये वाला वो वाला ऐसा वाला वैसा वाला वीडियो जो भी फिल्म है। तो कहानी 1997 की है, ऋषिकेश की, जहां पर ये दोनों पड़ोसी हैं, विगी और विद्या। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं और शादी हो जाती है। और शादी के बाद वही पहली रात वाला सीन ये रिकॉर्ड कर लेते हैं सारे प्यार मोहब्बत के। और उसके बाद ये इनका जो वीसीआर होता है ये कहीं चोरी हो जाता है और उसी के पीछे पूरी कहानी निकल पड़ती है। शुरुआत के 15-20 मिनट ये फिल्म बहुत अच्छी चलती है, अच्छे वन लाइनर्स हैं, पंचेस है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद ये फिल्म जबरदस्ती घसीटी जा रही है, घसीटी जा रही है। और एक समय ऐसा आता है जब इसमें सेकंड हाफ में न जाने कहां से एक भूतनी भी आ जाती है। कहां से आती है, क्यों आती है, क्या उसका मतलब है, कोई लिंक नहीं रहता है, बस उसको ऐसे डाल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि स्त्री टू हमने अभी कुछ महीने पहले देखी थी, राजकुमार राव उस फिल्म का हिस्सा थे, तो वही रिपीटेड लग रहा है और जबरदस्ती वाली चीजें लग रही है। उसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म बहुत स्लो है, आधे घंटे की कटाई इसमें हो सकती थी तो फिल्म और देखने में ठीक ठाक लगती। विजय राज इस फिल्म में उन्होंने अच्छा काम किया है। मल्लिका शेरावत को एक एडिट एडवांटेज के रूप में आप देख सकते हैं। तृप्ति डिमरी अपना ठीक ठाक काम किए, एक्टिंग वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहां पर फिल्म ऐसी बनी है जो समझ से परे है, जबरदस्ती की घसीटी जा रही है, जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिल्म कितनी कमाई करती है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि यार पंचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि यार क्या ही जबरदस्ती हंसाया जा रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है ना, कमेंट सेक्शन में आप पढ़ते हो कि मैं ये वीडियो देख तो रहा हूं लेकिन ये हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जबरदस्ती हंस रहा हूं, वही वाली कहानी यहां पर भी आपको नजर आती है। बाकी आप इस फिल्म को देख सकते हैं छुट्टी वगैरह के हिसाब से, सैटरडे संडे दशहरा सब कुछ पड़ा हुआ है, आप देखना चाहे देख सकते हैं, एंजॉय करना चाहे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो उम्मीदें थी इस फिल्म से, जो राज शांडिल है उन्होंने लिखा है, डायरेक्ट किया, सब कुछ किया है, जो ड्रीम गर्ल वगैरह बनाई थी उन्होंने, पिक्चर बहुत अच्छी थी, कॉमेडी सर्कस के स्क्रिप्ट लिखा करते थे ये कॉमेडी वाले, लेकिन यहां पर ये इस बार चूक गए हैं, वो मजा नहीं आया। बाकी आपने देखा, आपको कैसी लगी कॉमेंट